बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बजट प्रस्ताव को लेकर आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि संगम स्नान करने से सरकारों के पाप नहीं धुल सकते। सरकार के जनहित, जनकल्याण, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के काम ही आम जनता के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट प्रस्ताव पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा की सरकारों को नसीहत भी दी है कि सरकार को कैसे चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो सरकार फेल है, वो संगम में स्नान करके अपने पाप नहीं धो सकती। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।